होंडा यूजर जो है उसको टोयोटा अच्छी नहीं लगती, टोयोटा यूजर जो है होंडा वो होंडा को पसंद नहीं करते। लेकिन एक मेरा तो एक लहदा है ना, अपना तो गाड़ियों का काम है भाई, अपने को सारी गाड़ियां पसंद आ जाती है। होंडा और टोयोटा दोनों गाड़ियों जो दोनों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी 15 लाख से कम बजट के अंदर आपको सेडान गाड़ी चाहिए, गाड़ी ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपका भाई आपके लिए गाड़ी लेके आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुझे बाद में आप थैंक यू कह सकते हैं। तो ये है जी मित्सुबिशी लांसर 2004 मॉडल की GLX ऑटोमेटिक फुली लोडेड वाला वेरिएंट है और पाकिस्तान की बहुत ही अंडररेटेड सी सेडान है। और ये यार ये गाड़ी जो है ये बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, स्पेशली वो लोग जो गाड़ियां तैयार करना चाहते हैं, वो लोग जो कम बजट में एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो ये एक बड़ी ही बेहतरीन गाड़ी है। 14,75,000 रुपये इसकी गाड़ी शावर है, एक्सीडेंटल नहीं है। बाकी मजीद फीचर्स जो है मैं आपको वीडियो में बता से गाड़ी को आपको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे पहले तो इंटीरियर दिखाता हूँ। यार इसका इंटीरियर आज भी मुझे प्यारा लगता है, लाइट कलर का इंटीरियर जिसके अंदर ये जो वुडन टच आता था। अच्छा इवन देख लें, 4 मॉडल की गाड़ी है लेकिन इसके पैनल्स को देख लें किस तरह मतलब जुड़े हुए हैं, वरना यहाँ से फट जाती हैं गाड़ियाँ, यहाँ से उखड़ जाती हैं, तो जैपनीज रिलायबिलिटी है ना, यू नो। अच्छा यहाँ पे आपको क्लॉक मिल रहा है टेम्परेचर की रही है और इसके एसी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा जो मटेरियल है वो यहाँ पे सॉफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हार्ड दिया हुआ है। ये पूरे का पूरा पैनल जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर छोटी सी टेप की जगह आती है, मैंने एक दफा इसका रिव्यू किया था उस वक्त मैंने बताया था, और वो भी इसी तरह की ही गाड़ी थी। एसी के बटन नीचे मौजूद हैं। सबसे मेन चीज़ है जी इसकी ये है जी इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और इसके साथ आपको यहाँ पे इसने दी हुई है थोड़ी सी छोटी सी एस्ट्रे। स्टेयरिंग व्हील के अंदर छोटा सा क्यूट सा मित्सुबिशी का लोगो दिया हुआ है, छोटा सा पाइप जो है हॉर्न का बनाया हुआ है। एयरबैग वाला ये सिस्टम नहीं है क्योंकि उस वक्त किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं था। बाद में जो लार्सन के इंपोर्टेड वेरिएंट आते थे तब इसमें एयरबैग आना शुरू हो गया था। इसके अलावा डायल भी उतना ही सिंपल है, 220 का मीटर, आप चाहें तो मार भी सकते हैं अगर आपको इजाजत हो। मीटर मिरर कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मीटर की ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, फॉग लैंप्स का बटन दिया हुआ है, चारों विंडोज ऑटो हैं, यहाँ पे फैब्रिकेशन वाला कपड़ा भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इसकी चाबी जो कि इसकी नहीं है, ये बाद में इसके अंदर की हुई है क्योंकि इसके ऊपर राइट अबव सुजुकी लिखा हुआ है। गाड़ी को करते हैं सबसे पहले स्टार्ट, स्टार्ट चेक करें गाड़ी का, तो गाड़ी हो गई है जी स्टार्ट और 1,30,000 जो है गाड़ी का मीटर शो कर रहा है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर जो मिरर है वो भी आपको डिम मिरर मिलता है, और मिरर के साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सादा वाले हैं और इस तरफ आपको मतलब शीशा दिया हुआ। यार यहाँ पे शीशे का क्या मकसद बनता है, देना तो यहाँ पे दे भाई, ड्राइवर नहीं बता अपना चेहरा देख सकता, इधर देखता फिर क्या यार, अजीब हालात है। इसके अलावा जो सीट्स हैं, इस गाड़ी की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट मौजूद है। 2004 मॉडल के अंदर ना टोयोटा देता था ना होंडा देता था, ये गाड़ी सिविक और करोला के मुकाबले की गाड़ी है, लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदर उस वक्त ये चीज नहीं आती थी, आप बेशक निकाल के देख लें। इसके अलावा इसके अंदर जाहिर बात है ये चीज जो है ये आफ्टर मार्केट लगी है, लेकिन सीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इवन लेदर की कोशिश होने के बावजूद भी गाड़ी की जो सीट्स हैं बहुत अच्छी और बेहतरीन। अच्छा जी एक्सटीरियर की तरफ आते हैं, सबसे पहले तो गाड़ी का डिजाइन देखें तो ओवरऑल टिल डेट नाउ गाड़ी का बड़ा एग्रेसिव डिजाइन है, खूबसूरत गाड़ी है। मित्सुबिशी की जो ग्रिल है ये इनके डालों के अंदर भी यही वाली ग्रिल आती है, लोगो इसका। उसके बाद इसका फेसलिफ्ट आया था जो कि बहुत ही भद्दा कर दिया था, मुझे तो वो कोई नहीं था पसंद। अच्छा इसके अंदर लाइट्स का डिफरेंट पैटर्न आता है, ठीक है, ब्लैक एक्सेंट के साथ भी लाइट आती है, उसकी पिछली लाइट भी थोड़ी सी डिफरेंट आती है। इसका कलर ये सिग्नेचर कलर है, मित्सुबिशी लांसर में सबसे ज्यादा जो कलर सेल हुआ था वो यही वाला, मतलब पाकिस्तान में लोग पसंद करते थे। व्हाइट कलर में भी गाड़ी बड़ी प्यारी लगती है बट ये कलर में सबसे ज्यादा गाड़ी बिकी थी। तो इसके अंदर है जी 1600 cc इंजन और बहुत ही पावरफुल इंजन है, गाड़ी बहुत भागती है। और फ्यूल एवरेज की बताऊं तो फ्यूल एवरेज जो है वो इसकी ठीक है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, मतलब दरमियानी सी है। अच्छा एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर बड़ी प्यारी लगती है वो ये है, यहाँ पे ये जो इन्होंने एक बोनट के ऊपर ये बनाया हुआ ना, ये टेढ़ी सी लाइन मुझसे लगी है सीधा, ये बड़ा एक इसमें अग्रेसिव लुक देता है। अच्छा नीचे फॉग लैंप्स मौजूद हैं जिनकी थोड़ी सी ज़रा सफाई होगी अभी। यहाँ पे अलॉय रिम्स हैं इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगे हुए, और टायर जो हैं वो भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कंडीशन वाइज अच्छे हैं। 15 का रिम लगा हुआ है, 85/60R15 का। और इसके अलावा पिछली साइड पे आ जाएं, इसका जो कलर है ना वो शायद पता नहीं कैमरा उस तरह का दे रहा है कि नहीं, तो ये GLX लांसर है। अब ये इसके अंदर रेड, ये रेड लाइट वाला है, इसके अंदर वाइट लाइट्स भी आती थी जिसके अंदर सिर्फ ये टचअप जो है रेड मिलता था, तो बड़ा खूबसूरत लगता था। इसके अलावा हम अगर इसकी डिग्गी खोलें तो डिग्गी से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको स्पेस जो है वो कितना मिलता है इस गाड़ी का। देखें
वो कहाँ तक आपको जो है वो स्पेस मिलता है। तो सेडानगढ़ में वैसे भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है डिग्गी के अंदर, नीचे टायर भी मौजूद है इसके अंदर, यहाँ पे स्टॉप लैंप भी लगा हुआ है और बाकी जो है वो सारे का सारा ओपन ही है, मतलब कि बंद नहीं है, कोई कवर शवर कोई नहीं लगा हुआ यहाँ पे। और ये पेपर जो है इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।